इस स्थान को प्रियाकुंड कहते हैं। यहाँ किशोरी जी जब नंदगांव में कृष्ण जी से मिलने गई थी तो वहाँ जब मैया ने उन्हें देखा कि ये लाली तो मेरे लाले लायक है तो उन्होंने कहा क्यों ना इसकी गोद भर दी और मैया ने लाली को लेकर उनकी गोद भर दी। नारियल हीरा मोती जो कुछ उपहार देने थे वो सब कुछ दिया और लाली के हाथ पीले कर दिए। जब वो गोद रस्म पूर्ण हुई और लाली अपनी सखियों के साथ अपने घर को वापस लौटी तो लोक लाज के कारण उन्होंने अपने हाथों को इस तालाब में धो दिया और उनके पीले हाथ धोने से इसका जल पीला हो गया तो पहले इसका नाम पीली पोखर पड़ गया। आज इसको प्रिया कुंड कहते हैं। ये इसकी कथा है। हम बताएं जब बताएं